हेलो ब्यूटीफुल सोल, यहाँ पर हमारे पास दो डेक है, ठीक है। ये है डेक वन, ये है डेक टू। यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा, एक चूज़ करना है, फिर मैं आपके सामने कार्ड्स पुल करूँगी यहाँ से। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है। ओके, तो जिन्होंने डेक वन चूज़ किया सबसे पहले उनके लिए हम मैसेज देख लेते हैं कि क्या मैसेज है मेजर अरकाना का आपके रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए। ओके, जर्नल रीडिंग के साथ साथ टाइमलेस है और सभी ज़ोडियक साइन के लिए होने वाली है। ओके, आप स्टक हो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, क्लियरिटी नहीं है आपको। 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स लेंगे बॉटम की एनर्जी। देखो आपकी जो भी विश है ना, पाइल नंबर 1, आपकी बहुत जल्दी वो विश पूरी होने वाली है। देखते हैं तीन कार्ड्स क्या हैं। आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन होगा, ये आपके लिए मैसेज है। राधा कृष्णा की ब्लेसिंग से आप अपने पार्टनर के लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, आपके पार्टनर आपका हस्बैंड और वाइफ बनाना चाहते हैं। रिलेशनशिप को लेकर जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं वो पूरे तरीके से ठीक हो जाएंगे, लाइफ में बैलेंस आएगा। यहाँ पर आपको मेडिटेशन करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिटेशन करने के लिए आपको कहा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी रीडिंग आई है पाइल नंबर 1 की। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। ओके, देखते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पर भी आप मेरे जो व्यूअर्स हैं वो पाइल नंबर 2 के लिए वो जल्दबाजी में डिसीज़न लेते हैं या फिर डिसीज़न ले ही नहीं पाते हैं। 1, 2 एंड 3। ओके, बॉटम की एनर्जी तो देखी नहीं हमने, कोई फर्स्ट नहीं आपकी तरफ ऑफर लेकर आ रहा है। यहाँ पर भी सेम है, फाइल नंबर 1 के लिए तो उनकी कोई विश पूरी होने वाली है, फाइल नंबर 2 के लिए कुछ ऑफर आपके पास आ रहा है। लव ऑफर भी हो सकता है, कहीं से जॉब ऑफर भी हो सकता है, कुछ पॉजिटिव होगा। यहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट में फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है किसी ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, कोई आपकी बात नहीं समझता है, कोई आपको जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, हर एक इंसान ने धोखा देने की कोशिश कर रहा है आपको। फाइल नंबर 2, आप लोग ठीक रखिए अपने आप को। मुझे लगता है आपके फैमिली में भी कुछ इश्यूज़ हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन लॉज आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर लोग आपके पीछे से काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, शायद आपने किसी को सुना है कि कोई आपके बारे में बात कर रहा है, किसी अपने ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। यहाँ पर डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि भाई लोग आपके काफ़ी ज़्यादा दुश्मन हैं, जो कि आपको ठीक नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन उन सब के ऊपर आप हावी होंगे, उन सब के ऊपर अपना कहते हैं ना अपना हुकुम चलाने वाले हैं आप लोग। तो आपको इस एनर्जी में आना है कि अपने आप की नेगेटिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर देना है और अपने आप को पॉजिटिव करके इन लोगों के ऊपर अपने आप को डिपेंड नहीं करना है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव रखें, पावर में आने की आपको ज़रूरत है। ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी है जिससे आपको लगता है कि जो आपके लिए नेगेटिव हो, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। प्लीज़ अपना ख्याल रखें। बाय बाय।